हम मऊ में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे चुनाव बुंदेलखंड में 23 फरवरी को होना है और इसी के तहत यहाँ पे कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं, संयुक्त उम्मीदवार हैं सपा से गठबंधन होने के बाद संपत पाल, हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के और एक जाने माने चेहरे हैं पूरे जिले के पंकज मिश्र। उनसे बात करते हैं कि पार्टी की क्या कुछ तैयारियाँ हैं और किन किन चुनौतियों से पार्टी निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सर आपका स्वागत है नवपुरवा में। ये बताइए कि क्या कुछ नई तैयारियाँ आप लोगों ने की हैं, क्योंकि ये सीट एक काफ़ी प्रतिष्ठा की सीट रही है और काफ़ी दिनों से यहाँ पे पार्टी सीट नहीं निकाल पाई है, तो क्या कुछ तैयारियाँ हैं? गठबंधन भी हो गया है, किस तरीके से तैयारी? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने तो मानिकपुर सीट जीतने की तैयारी पहले से कर रखी थी, परंतु नेतृत्व ने जो गठबंधन का फैसला किया माननीय राहुल जी ने और माननीय अखिलेश जी ने, उससे मानिकपुर विधानसभा के समीकरण बिल्कुल हमारे पक्ष में हो गए हैं। पूरी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के एकजुट होकर कार्यकर्ता पदाधिकारी जो जिस स्तर का है, चाहे वो प्रदेश के हों, चाहे जिले के हों या ब्लॉक के हों, सेक्टर के हों, जोन के हों, सारे लोग अपनी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और हमारा सारा फोकस चुनाव लड़ने पर है। चूँकि हमारी तैयारी इतनी अच्छी है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए हम और किसी विषय पर नहीं जाते हैं। हम केवल अपने प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए गली गली बूथ बूथ जा जाकर लोगों से संपर्क करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मौका आया है एक ताकतवर, सशक्त, मजलूम, मजदूर और गरीब किसानों की लड़ाई लड़ने वाली एक ज़मीन की महिला, एक गरीब महिला को मौका मिल रहा है विधानसभा जाने का। तो हम आम आदमी से गुजारिश करते हैं, उनसे बात करते हैं, समझाते हैं कि भैया इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा एक गरीब आदमी को विधानसभा भेजने का। अच्छा, गठबंधन के लिए आप क्या कहते हैं? गठबंधन किसी कारण के, किस कारण से गठबंधन करना पड़ा? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं मजबूती नहीं थी कांग्रेस की 27 साल की। देखिए, ऐसा नहीं है, कांग्रेस की मजबूती थी। जिस नारे की लोग बात कर रहे हैं वो नारा भी गलत नहीं था, लेकिन अखिलेश जी चूंकि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे काम किए। हमारे नेता राहुल जी को उनके काम अच्छे लगे। देश की, प्रदेश की बंटवारे की राजनीति करने वाले लोगों के खिलाफ अखिलेश जी और राहुल जी एक मंच पर आए और उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो काम कभी पहले नहीं हुआ वो एक गठबंधन मिलकर सरकार बनाकर करेगा। इस बात पर आपसी सहमति हुआ, साथ मिलकर, साथ बढ़कर और साथ प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सहमति बनी, इसलिए गठबंधन हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है इस विधानसभा क्षेत्र में किससे आपकी सीधी लड़ाई है, किस पार्टी से? क्योंकि लड़ाई में कोई होता तो हम उसका नाम लेते, जब लड़ाई में कोई है ही नहीं उसका नाम क्यों लें अपने मुँह से? हमारी संपत पाल जी के आगे कोई दूर दूर तक कहीं नजर आते नहीं। हम तो ऐसा मानकर चल रहे हैं कि जो दूसरे नंबर पर रहेगा उससे भी दुगने की लड़ाई हम जीतेंगे। तो जो हमारा दुगने की लड़ाई है तो लड़ाई वो होता है जिसका 5-10 कार्यकर्ता होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है पाठा में रोजगार और पलायन, उद्योग नहीं है, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं और ये तमाम चुनौतियाँ आने वाले दिनों में किसी भी पार्टी को जो भी सत्ता में आएगी उसको इससे मतलब निपटना पड़ेगा, तो कांग्रेस ने क्या जनता के बीच में जाकर क्या आप लोग संदेश दे रहे हैं कि क्या कुछ आप लोग नया करेंगे आने वाले? हम पाठा क्षेत्र में, चाहे वो ये बरगढ़ क्षेत्र हो या वो मानिकपुर क्षेत्र हो या ये मऊ और रामनगर ब्लॉक हो, ये जहाँ पर भी है, जहाँ हमारा पार्टी का जो प्रत्याशी लड़ रहा है, जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, हमने पहले से भी इन सब चीज़ों में प्लान किया हुआ है और हमारी राहुल जी और अखिलेश जी ने जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है वो विशेषकर किसी क्षेत्र का नहीं होता है, पूरे प्रदेश का रहता है। परंतु हम लोगों ने संगठन के स्तर से भी, प्रत्याशियों के स्तर से भी, समाजवादी कांग्रेस के दोनों लोगों ने मिलकर इस बात का संकल्प उठाया हुआ है कि चुनाव के बाद हमारी लड़ाई शुरू हो जाएगी, छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना हो जिससे यहाँ के लोगों को काम मिल सके, यहाँ का विकास हो सके। और हमारे दिमाग पर और हमारे प्लान में ये भी है कि मानिकपुर क्षेत्र को टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाए। जब ये पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित होगा तो यहाँ जो 10 सुप्रभावित क्षेत्र हैं, डकैतों की समस्याएं हैं, इंटीरियर क्षेत्र हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उससे भी छुटकारा मिलेगा और यहाँ विकास भी अपने आप हो जाएगा जब यहाँ पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित हो जाएगा। अच्छा, अब तो काम बोलता है उसके साथ में आ गए हैं आप लोग जी। नोटबंदी में आपका क्या कहना है, मोदी जी का ये फैसला कितना प्रभावित करेगा? लेकिन नोटबंदी से तो आप भी मीडिया के लोग हैं, आप भी जानते हैं कि नोटबंदी ने कितना आम आदमी को परेशान किया, और कहीं आदमी परेशान हुआ न हुआ पर मानिकपुर क्षेत्र में बहुत परेशान हुआ। गरीब कोल बिरादरी के लोग रहते हैं जिनको नहीं पता है इंटरनेट के बारे में, बैंकिंग में आप देख रहे हैं कि महीनों लाइन लगा रहे हैं, तो वो लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं और उनके मन में केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री के प्रति बहुत गुस्सा है कि इन्होंने हमें महीनों परेशान किया, भूखे रहे, कई मर गए, सरैया में मर गए, वहाँ भरतकूप में मर गए, कई लोग मर गए, जिले में मऊ में मरे, मऊ में मन कुमार में वो ठाकुर साहब के पिताजी मर गए, तो कई लोगों की दुर्घटना ऐसी हो गई जिससे आम आदमी गुस्से में है कि कुछ लाभ तो नहीं हुआ लेकिन उससे नुकसान हमारा बहुत हुआ, महीनों हमारी व्यवस्था बाधित रही, तमाम लोगों का, किसी का देखिए जो गरीब था इलाज नहीं करा पाया, कोई इलाज के अभाव में
मर गया, किसी की शादी टूट गई, कोई अच्छे से अपनी तरह ही बरखी नहीं कर पाया, तो लोगों के मन में नाराजगी। सर मीडिया में कभी खबरें आई और न्यूज भी आया कि MLA का फुल फॉर्म और तमाम तरह की समाज की छोटी छोटी चीजों का नॉलेज लोगों को नहीं है जो प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर रहे हैं, आपके भी जो उम्मीदवार हैं उनको भी नहीं आया MLA का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कैसे देखते हैं कि यह क्या जरूरी है एक कम से कम किसी एक प्रत्याशी को छोटा सा उसका शैक्षिक किस तरीके से देखते हैं? अनुज जी, लोकतंत्र है जी, इसमें पार्टी प्रत्याशी जो तय करती है उसको हम लोग लड़ाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि MLA का फुल फॉर्म उन्हें नहीं पता, ये वो समझते होंगे, हो सकता है कि उन्होंने टाल दिया हो, वरना ऐसे नहीं, प्रत्याशी तो हमारी इंटरनेशनल महिला है। अच्छा ये प्रश्न उठ रहा था कि अच्छा आप मानते हैं कि नहीं, जैसे कि किसी भी नेता के लिए प्रतिनिधि के लिए कुछ शैक्षिक जरूरी है, मतलब कि एक लिमिट तय की जाए, इसमें आपका क्या कहना है? ये मानिकपुर नहीं पूरे देश का दुर्भाग्य। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ पंकज मिश्र थे और इन्होंने तमाम तरह के प्रश्नों का हमारे उत्तर दिया, और आपसे एक विशेष अपील हमारी भी ये है कि 23 फरवरी को आप लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें और एक सशक्त उम्मीदवार को बुंदेलखंड से ही नहीं अपने विधानसभा सीट से चुनने का प्रयास करें। नवप्रवाह मीडिया नेटवर्क के लिए अनुज हनुमती, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट।